शुड आई प्रिपेयर फॉर द यूजीसी नेट एग्जाम इन साइकोलॉजी? तो प्रिपरेशन को जी लेकर क्वेश्चन पूछा है। जी ये प्रिपरेशन बहुत ट्रिकी है, क्योंकि कई लोग 2-3 साल तैयारी करते हैं और नहीं होता है, और कई लोगों को केवल 4 महीने की तैयारी या 5 महीने की तैयारी के बाद हो जाता है। सो मैं ये इमेजिन कर रहा हूँ कि इसको फ्रेशर्स जो एमएससी या एमए फाइनल ईयर में हैं, जो इन्हें अभी नेट देना है, वो भी देख रहे हैं, तो आपके लिए बहुत आसान है, क्योंकि अभी आप रफ्तार में हैं, आप मास्टर्स के उस टेम्परामेंट को, उस टेम्पो को मेंटेन किए हुए हैं। तो अगर आप इसे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने भी किया था, तो उसके लिए आपको 2 चीजों की सबसे पहले आवश्यकता है। एक तो अपनी स्टडी को फोकस करें, यूजीसी नेट के सिलेबस के हिसाब से करें, जो कि अवेलेबल है, एनटीए यूजीसी नेट की वेबसाइट पे अवेलेबल है। और दूसरा है कि आप एग्जाम का क्या पैटर्न है अभी, जैसे कि अभी आजकल इंडियन साइकोलॉजी से या इंडिजिनस साइकोलॉजी से, क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी से भी काफी क्वेश्चन आने लगे हैं, तो आप पैटर्न देखिए कि कैसे चेंज हो रहा है, उस हिसाब से आप डेली के आपने मतलब कि डिनर विनर के बाद अगर 3-4 घंटा देते हैं, तो मेरे ख्याल से 4 या 5 महीने की तैयारी काफी होती है, साथ साथ एमसीक्यू की प्रैक्टिस करते रहें, तो ये बहुत आसानी से नेट हो सकता है। आपको बस 3 चीजें ध्यान रखनी है, एक तो पैटर्न देखना है कि पिछली बार जो क्वेश्चन पेपर आया था उसमें क्या पैटर्न है, कहाँ से क्वेश्चन ज्यादा पिक हो रहे हैं, दूसरा आपको सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ना है, सब कुछ नहीं पढ़ना है, ये जानना ज्यादा जरूरी है कि क्या छोड़ना है रेदर देन कि क्या पढ़ना है। अब जैसे कि एके सिंह की बुक आती है रिसर्च मेथड की, तो उसमें रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, आइटम एनालिसिस, टेस्ट कंस्ट्रक्शन, ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरी बुक पढ़ेंगे तो सब कुछ, क्योंकि आपको टंग टिप पे याद रखना है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, तो आपको सेलेक्टिव होना पड़ेगा। इट्स ऑल अबाउट रीडिंग 1 book 10 times रेदर देन रीडिंग 10 book once। तो अगर आप जैसे कि एक बेसिक बुक बना लें, सिकारेली एंड मेयर्स या मॉर्गन एंड किंग या बैरन, तो आप उसी एक किताब को 10 बार पढ़ें, जिससे कि फैक्ट्स आपके आप फैक्ट्स के ऊपर कंट्रोल कर सकें। अगर रिसर्च मेथड की बात करें तो आपको एके सिंह की रिसर्च मेथड वाली बुक बहुत अच्छी है, भारत भारती पब्लिकेशन की, और भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए तो हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी बाई एके सिंह। स्टैटिस्टिक्स के लिए मैं कहूँगा कि मिनियम या एस के मंगल की बुक, और थोड़ा सोशल साइकोलॉजी की बैरन बायरन एंड ब्रॉस्कॉम या बैरन बायरन की बुक ले लें, और रॉबिन्स की बुक ओबी के लिए। तो ये 4-5 किताबों के थ्रू आप तैयारी करें, और सिलेबस के वो ध्यान में रखते हुए, और जो पैटर्न आ रहा है अभी आंसर क्वेश्चंस का, उसको ध्यान में रखते हुए, तो मेरे ख्याल से 3-4 से 4.5 महीना, अगर 3-3, 4-4 घंटे आप देते हैं तो पर्याप्त रहेगा। जी सर, इससे एक पर्टेनिंग क्वेश्चन है कि इग्नू जैसे एक ओपन यूनिवर्सिटी है, और अलग अलग एज ग्रुप के लोग अभी इग्नू से मास्टर्स परस्यू कर रहे हैं साइकोलॉजी में, 50s में भी, 60s 70s उम्र जिनकी है वो भी परस्यू कर रहे हैं, तो वो भी देना चाहते हैं नेट का एग्जाम, तो क्या उसमें कोई एज लिमिट है नेट और जेआरएफ के लिए? जहाँ तक मुझे मालूम है कि जेआरएफ के लिए तो एज लिमिट है, शायद जनरल कैटेगरी के लिए 30 या 32 है जी, और एससी एसटी ओबीसी के लिए 35 है, लेकिन मुझे लगता है नेट के लिए अभी क्लियरली डिटरमिन क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि मैंने काफी उम्र दराज लोगों को नेट निकालते हुए देखा है। इस मद्देनजर अगर आप ऑब्जेक्टिव डिसीजन लेना चाहते हैं, तो आपको एनटीए की वेबसाइट पे जाके यूजीसी नेट की अपर एज लिमिट देखनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता नहीं है, मुझे लगता है 40-45 तक भी नेट पॉसिबल है, लेकिन इसे आप क्रॉस चेक जरूर कीजिएगा। जी धन्यवाद।